बांधो बकरी को, बनेगा राजा इसको पकड़ो, इसको पकड़ो 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 ऐसे, आप भी आना सर, नौकर लगाइए, के नीचे से है वो डिपार्टमेंट से कुछ बाहर की बकरियां आई और वो संक्रमण हुआ तब मरी हमारे पहाड़ की बकरी। तो चेक उन्होंने सर जो है कर लिया है, उस क्षेत्र में जाकर के जांच उन्होंने कर ली है और बता भी दिया सर। नहीं, मैं जानना ही चाहता हूँ कि जलागम ने बकरी दी है या किसी डिपार्टमेंट ने और बकरी दी है, उनके संक्रमण से उराई है, इन्फेक्शन फैला है, ये बकरी कहाँ से है और उन्होंने कैंप भी 3-4 दिन किया था, ट्रीटमेंट भी किया है, पोस्टमार्टम के लिए सर ब्लड सैंपल लेकर उनका मुक्तेश्वर भेज जाना होता है तो मुक्तेश्वर उन्होंने भेज दिया है। महाराज जी, आपने यहाँ पे पौड़ी में अभी बैठक ली और आपकी विधानसभा के अंतर्गत बकरियों की एक बीमारी काफ़ी रही वहाँ पे और अभी भी बीमारी कंट्रोल में नहीं है, क्या डायरेक्शन दिए गए हैं अधिकारियों को? इस बीमारी के लिए मैंने रेखा आर्य जी को लिखा है और ये बीमारी हमारे चपड़ा खाल में और ये रुद्रप्रयाग के अंदर ये पाई गई है, यहाँ काफ़ी बकरियाँ मर गई हैं, इसका पोस्टमार्टम भी हो गया है। हमने हिदायत दी है कि भाई इसमें अगर ये बकरियाँ बाहर किसी डिपार्टमेंट द्वारा दी गई हैं तो इनका सेग्रीगेशन किया जाए और यहाँ की बकरियों से दूर रखा जाए और उनकी चिकित्सा भी हम करवा रहे हैं और उनको मुआवजा भी प्राप्त होगा, ये मैंने मंत्री जी से कह दिया है। बर्तवाल जी, ये जो पोखड़ा में चौबट्टा खाल इलाके में बकरियों की बीमारी फैली थी, इसमें क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और कहाँ कहाँ फैली थी ये बीमारी? ये पोखड़ा में ये 4-5 गांव में जो है 13 तारीख को कि 4-5 गांव में जो है कि बकरियों की संक्रामक रोग से जो है मतलब ये रोगग्रस्त होकर वो मर रही हैं बकरियाँ, 5 गांव में ये जो गांव हैं ये हेमलेट एक्चुअल में कोलगढ़ गढ़री के, तो इसमें धामीदार हो गया, छन्निया हो गया, बरसुन खाल हो गया, बरसुंड हो गया और किमगढ़ी, जो संक्रामक रोग था वायरल डिजीज़ है ये, तो PPR इसका वैक्सीनेशन अगर इससे पहले अगर आप लोग करवा लेते तो उसे बीमारी ना फैलती है जो है। जो आसपास के गांव हैं, जो स्वस्थ बकरियां हैं उनको PPR का वैक्सीनेशन जो है टीकाकरण वो करवाया जा रहा है वहाँ पे, तो पूरे क्षेत्र में जो है इसका जो आसपास के गांव हैं तो रोग ना फैले जिससे वहाँ पे उसे पहले ही जो वहाँ पे जो हमारी टीम है वो टीकाकरण का कार्य PPR की जो है तो वो कर रही है। बर्तवाल जी, ये क्योंकि जलागम विभाग ने बकरियां बांटी थी और इन गांवों के अलावा और जगह भी बांटी होगी जी, तो ये अभी भी संभावना है कि कहीं अगर ये बाहर से जो बकरियां आई हैं और इन पे बीमारी है जी, तो ये फैल सकती है, तो इसके लिए क्या सोचा जा रहा है? नहीं जी, इसके लिए हमने जो जलागम DPD हैं तो उनसे मैं पता करके कि उन्होंने कहाँ कहाँ ये बकरियाँ बांटी हैं जो ये प्रोजेक्ट एरिया है, जिन जिन गांवों में उन्होंने बांटी होंगी तो वहाँ पे जाके ये सर्वे कराया जाएगा और लोगों को ये कहा जाएगा कि जो बकरी इनकी आई हैं तो वो अपनी घर की बकरियों से उनको अलग रखें और वो दूसरे गांव में जो है किसी जो बकरी हैं मतलब ये ना दें किसी ये कि दूसरे गांव में, जिससे ये कि संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो कम हो जाए।